देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की ये कहानी अनिबन के मॉम और डैड के साथ आज से करीबन 38 साल पहले साल 1976 में घटी थी। सर्दी की एक रात की घटना पर आधारित। अनिबन के डैड एक ऐसे काम से जुड़े हुए थे जिनके कारण उन्हें वीक में एटलीस्ट 2 बार अपने कोलकाता के घर को छोड़कर दुर्गापुर जाना पड़ता था। उनकी कंपनी उनके लिए दुर्गापुर में एक गेस्ट हाउस फिक्स कर रखा था जहां उनके लिए एक अलग से कमरा था। वो जितनी बार भी दुर्गापुर जाते उस गेस्ट हाउस के उसी कमरे में ठहरते जिसकी खिड़की खोलने पर सामने वाले का दिल दहल जाए। गेस्ट हाउस के उस रूम की खिड़की खोलते ही सामने का नजारा एक कब्रिस्तान का था। हालांकि इस बात से अनिबन के डैड को कोई परेशानी नहीं होती थी क्योंकि उनका विश्वास भूत प्रेत और आत्माओं से ज्यादा अपने भगवान पर था और दूसरा अपने आत्मविश्वास पर। ऐसा कहते हैं कि जिनका आत्मविश्वास और दिल मजबूत होता है उन्हें भूत प्रेत की बातें या उनकी मौजूदगी कभी सता नहीं सकती। इस गेस्ट हाउस में आज तक अनगिनत हादसे हुए और तौर इस गेस्ट हाउस का मैनेजर यहाँ आने वाले हर गेस्ट को शाम 5 बजे के बाद खिड़की खुली ना रखने की वार्निंग भी देता है जो अनिबन के डैड कभी नहीं मानते थे। उनका इन बातों को नहीं मानने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उन्होंने कभी भी उस गेस्ट हाउस में कुछ अजीबोगरीब महसूस नहीं करा था। हाँ, लेकिन कभी कभार आधी रात में नींद में उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनके कान के पास आकर उनका नाम पुकार रहा हो। कई बार उन्होंने उठकर रूम में चारों तरफ नजरें दौड़ाई लेकिन वहां कोई नहीं था। दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज के इस कमरे में ऐसा क्या हुआ था? उन्होंने दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज में जाना तो दूर उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया। हर बार की तरह ही राणा चक्रवर्ती अपने काम के सिलसिले से कोलकाता से दुर्गापुर गए लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। इस बार उनके साथ उनकी वाइफ मीनाक्षी और उनका 3 साल का बेटा अनिबन भी उनके साथ था। लॉज में घुसते के साथ ही वहां के मैनेजर ने उन लोगों का स्वागत एक लंबी सी स्माइल से करा क्योंकि चक्रवर्ती को यहाँ हमेशा आते रहते थे तो उनकी जान पहचान यहाँ के मैनेजर स्टाफ सभी लोगों से बहुत ही अच्छी थी। या यूं कहिए तो वो सारे लोग उन्हें अपने दोस्त की तरह मिलते थे। मैनेजर ने बातों ही बातों में सजेस्ट करा कि इस बार मिस्टर चक्रवर्ती किसी और कमरे में ठहरें ना कि जिसमें वो हमेशा ठहरते हैं उसमें। मिस्टर चक्रवर्ती ने मैनेजर की एक नहीं सुनी और उनसे हंसते हुए कहा, अरे यार उसी कमरे की चाबी दे दो। अजीब सी कश्मकश वाली परिस्थिति में मैनेजर ने वो चाबियां तो मिस्टर चक्रवर्ती को दे दी लेकिन साथ ही मिसेस मीनाक्षी चक्रवर्ती से एक छोटी सी गुजारिश करी। उनसे कहा कि शाम 5 बजे के बाद खिड़की खुली ना रखें और हो सके तो किसी भी समय खिड़की के सामने खड़े होकर अपने बाल ना बनाए। ये चेतावनी मैनेजर हर गेस्ट को देता था लेकिन आज उसे एक अजीब सा डर लग रहा था क्योंकि पहली बार मिस्टर चक्रवर्ती अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आए थे और वो ये नहीं चाहता था कि उनके साथ कोई दुर्घटना घटे। कैमरे में चेक इन करने के बाद मिस्टर चक्रवर्ती अपने काम से बाहर चले गए और मिसेस चक्रवर्ती अपने 3 साल के बेटे को रूम में छोड़कर खुद नहाने चली गई। नहाकर जब वो बाहर निकली तो अपने बाल सुखाने वास्ते उन्होंने खिड़की खोली और खिड़की खोलते के साथ ही सामने का नजारा उनकी आंखों के सामने था। सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खिड़की खोलने के साथ ही जिस बात से वो अनजान थी वो उनके सामने था। जितनी दूर मिसेस चक्रवर्ती की नजर गई उन्हें बस कब्र ही कब्र दिखाई दे रही थी। इस दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज के पीछे एक कब्रिस्तान था। जिंदगी के बाद की इस सच्चाई को देख मीनाक्षी बहुत डर गई थी
उन्होंने तुरंत खिड़की बंद करी और अपने 3 साल के बेटे अनिबन को लेकर पलंग पर बैठकर उस भयावह स्थिति में अपने पति के आने का इंतजार बेसब्री से करने लगी। करीबन शाम 6 बजे मिस्टर चक्रवर्ती अपने काम से लौटे। उनको देखकर मिसेस चक्रवर्ती की सांसों में सांसें आई। उन्होंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करा कि वो मैनेजर से बात करके अभी के अभी रूम चेंज करे, क्योंकि इस रूम की खिड़की के ठीक सामने कब्रिस्तान है जिसका एक एक दृश्य शायद रात भर उन्हें यानी कि मीनाक्षी जी को सोने नहीं दे। मिस्टर चक्रवर्ती ने अपनी बीवी को बताया कि वो पिछले 5 सालों से जब जब वो दुर्गापुर आए हैं इस लॉज के इसी कमरे में ठहरे थे, और ये दिलासा दिया कि आज तक उनके साथ ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ जो उन्हें इस बात से डरा दे कि इस रूम की खिड़की के ठीक सामने का नज़ारा कब्रिस्तान का है। बहुत समझाने के बाद मीनाक्षी कन्विंस हो गई और आज की रात इस रूम में बिताने का फैसला किया। पर इन सब के बीच मिसेस चक्रवर्ती ने एक बात छिपाई। मैनेजर की चेतावनी के बावजूद मिसेस चक्रवर्ती ने ना तो सिर्फ खिड़की खोली बल्कि वो वहाँ खुले बालों के लिए कुछ देर के लिए खड़ी भी थी। ये बात तो शायद आपने कभी ना कभी सुनी ही होगी कि शाम ढलने के बाद बाल खोलकर छत पर ना घूमें या फिर सोते वक्त अपने बालों को ज़रूर बांध लें। अनजाने में ये गलती मिसेस चक्रवर्ती के साथ दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज में उस कमरे में हो गई। रात के करीबन 11 बजे मिस्टर चक्रवर्ती की नींद को उन्हीं के रूम में से आ रही एक अजीब सी आवाज़ ने तोड़ दिया। उन्होंने उठकर देखा तो पाया कि उनकी बीवी मीनाक्षी के बाल हवा में थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। और खुद को बचाने के लिए मिसेस चक्रवर्ती टेबल के एक कोने को पकड़ी हुई हैं और डर के कारण उनके गले से कोई आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। एक पल को मिस्टर चक्रवर्ती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपनी बीवी का हाथ पकड़ और अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की। उनकी ये कोशिश नाकामयाब हो रही थी क्योंकि वह दृश्य शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत थी जो मिसेस चक्रवर्ती को उस कमरे से बाहर की ओर घसीट रही थी। मिस्टर चक्रवर्ती ने जोर जोर से मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी और कुछ ही पलों में उस लॉज के अगल बगल के कमरों के लोग और भी मैनेजर वहाँ पर सब लोग मिलकर बहुत मुश्किल से मिसेस चक्रवर्ती को बिस्तर पर लिटाकर उनके हाथ पांव बांधे। इस हालत में भी मिसेस चक्रवर्ती के शरीर के अंदर न जाने कैसी अद्भुत शक्ति थी जो उस पूरे पलंग को हिलने पर मजबूर कर रहे थे। इस हालत में मिसेस चक्रवर्ती बस एक ही बात बार बार कही जा रही थी कि कोई उन्हें मारना चाहता है और वो उन्हें मौत की ओर घसीट रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो। मिस्टर राणा चक्रवर्ती काफ़ी साहसी इंसान थे। उन्होंने रात भर अपनी बीवी के सर पर हाथ रख गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया। सूरज की पहली किरण के साथ मिसेस चक्रवर्ती की हालत बहुत सुधर चुकी थी, मानो पिछली रात उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं था, बस उनके शरीर में एक अजीब सी थकान थी। मिसेस चक्रवर्ती के साथ उस रात जो भी हुआ आपको शायद ये उनके डर से उत्पन्न हुई मानसिक परिस्थिति लगे, लेकिन अचानक से मिसेस चक्रवर्ती के शरीर में आई अपार शक्ति जिसको काबू करने में करीबन 5-6 लोगों की मदद लेनी पड़ी, इसे एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज आज भी मौजूद है लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता, कई सालों से वो ऐसे ही वीरान पड़ा है। तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी, तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। ये सुनते ही अंकिता की रूह कांप गई क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात तब की है जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने की हाँ कर दी। पिकनिक पर जाना था पावागढ़। पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था इसलिए करीब 30 बसें
सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थी। अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसती मजाक करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से कुछ तेज आवाज आई। ये वक्त रात के करीब 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा, देखिए बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे, आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ पर गर्मा गर्म चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। तभी उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ, आप जैसे राहगीरों की कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम से छत के ढाबे की तरफ गई। वहां अंकिता ने एक औरत को सफेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंकिता ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर अंकिता ने डर के मारे आंखें नीचे झुका ली। कांपते हुए किसी तरह से अंकिता ने चाय दोबारा पीना शुरू ही किया था कि उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा, मैं देखकर आता हूं क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहो। इतना कहकर वो आवाज की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और खराब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा, तुम सब लोग आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया था कि अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ अजीब नजरों से देखा और कहा, उस चीख को भूल जाना वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी भगवान का नाम लेते हुए बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सब सीधे सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में ही सो गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते बाद घूमकर आ गए। पिकनिक में किसी ने एक दूसरे से बस के बारे में बात नहीं की क्योंकि टीचर ने मना किया था, लेकिन पिकनिक से लौटते ही सब ने अपने दोस्तों और दूसरी क्लास वालों को इस भूतिया घटना के बारे में बताया। आज पिकनिक का नाम सुनते ही भूतिया ढाबे की कहानी अंकिता के मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।